नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। कोरोना काल पहले देश के लिए जी का जंजाल बना और अब ये बदहाली, बदहवासी, मौत और कर्ज के जाल में लोगों को जकड़ने लगा है। जो जिंदा बच गया उसे कर्ज का बोझ मार रहा है और जो जिंदा बचने की कोशिश में अस्पताल पहुंच गया उसे सिस्टम एक गुमशुदा लाश में बदल रहा है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग स्तर के परीक्षण किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग वैक्सीन असरदार हो सकती है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर जमकर बरस रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दर्जनों देशों के बीच रेस भी लगी हुई है, जिसके लिए लगभग 160 से भी ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, जिनमें से 141 प्री क्लिनिकल स्टेज में है। दुनिया भर में सिर्फ 3 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेज 3 ट्रायल में है, जिसमें पहला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्राजेनेका, मॉडर्न इंक और साइनोफार्म की डेवलप की हुई वैक्सीन। फिलहाल इन सभी का बड़े पैमाने पर इंसानों पर ट्रायल जारी है। कुल मिलाकर 24 कोविड वैक्सीन ऐसी हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। एक बार ये ट्रायल पूरा हो गया तो फिर कंपनियां रेगुलेटर से अप्रूवल लेकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती हैं। कोरोना वैक्सीन के रेस में फाइजर और मॉडर्ना ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन 94 से 95% तक कारगर है। अब इस रेस में एक समय सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बताया कि उनकी वैक्सीन औसतन 70.4% तक कामयाब है। ऑक्सफोर्ड ने बयान जारी करके जानकारी दी है कि 2 ग्रुप में इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच की गई थी। एक ग्रुप में वैक्सीन 90% कारगर पाई गई। ऑक्सफोर्ड ने यह बयान करके कहा कि ट्रायल में मिले आंकड़ों को पोथी पत्री समेत नीति निर्माताओं को दिया जाएगा, सब कुछ की जाँच की जाएगी। इससे लग रहा है कि वैक्सीन आने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि एक बार वैक्सीन पर कामयाबी की मुहर लग गई तो इसका जल्दी निर्माण कैसे होगा और लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरे ग्रुप में 62% कारगर दिखी। दोनों ग्रुपों में वैक्सीन की अलग अलग मात्रा दी गई थी। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी ऑस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन डेवलप की है। इसे कोविशील्ड नाम दिया गया है। कोई भी वैक्सीन किसी वायरस से लड़ने में कितनी कारगर है ये उसकी एफिकेसी का मामला होता है। इसका मतलब ये है कि एक बिना वैक्सीन वाले संक्रमित ग्रुप और वैक्सीन वाले संक्रमित ग्रुप के बीच ठीक होने की संभावना कितनी ज़्यादा है। दुनिया भर के देशों ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। भारत में इस वैक्सीन को बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पुनावाला के मुताबिक वैक्सीन की लागत ₹1,000 से कम रह सकती है। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि यूके में ये वैक्सीन कम दाम में मिलेगी। इसी के साथ भारत, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों में फेज 3 ट्रायल जारी है और नवंबर तक ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है। New types of ventilators. You know that initially we had so much of problems around the PPEs, N95 masks, ventilators. We were importing them, and within a few months we were in the position to start to be able to export them to all the parts of the world. And the scientists could do research around genome sequencing. They could do isolate the virus. They could actually do the research around repurposing of the drugs. And now the scientists are well ahead of many others in the whole world in terms of our research around vaccine development and its delivery to the people. And now we are in a position when I confidently tell Indians that in a couple of months from now we should be able to deliver a vaccine to the people of India. So the scientific community rose to the occasion, all the arms of the government rose to the occasion. It was a whole of government approach, it was a whole of society approach, and it is all because of this, everybody's support, that today we can very proudly say that our performance, compare it on any parameters, and the parameters are not set by us, the parameters are set by the World Health Organization. We have the
highest recovery rate in the whole world. It's almost touching 94% now. We have the least fatality rate. इन नतीजों से हम कोरोना वायरस को खत्म करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं, और इन नतीजों से पता चलता है कि हमारे पास ऐसी वैक्सीन है जो बहुत सारी जिंदगियां बचा सकती है। इस सफलता के लिए हम इस ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के शुक्रगुजार हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक, नमस्कार।